नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आजकल लोग बालों के सफेद होने को लेकर पहले से ही टेंशन में रहते हैं, लेकिन अब तो लोगों की दाढ़ी के रंग में भी उम्र से पहले ही सफेदी आने लगी है और जिससे लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और पहले के जमाने में जब किसी के बाल सफेद हो जाया करते थे तो उसे उम्र से जोड़ दिया जाता था, लेकिन अब तो यंग लोगों के दाढ़ी के बाल भी सफेद होने लगे हैं। लेकिन कुछ समय पहले तक 40 की उम्र का आंकड़ा पार कर चुके लोग ही अपने बाल और दाढ़ी को कलर किया करते थे बालों की सफेदी को छुपाने के लिए, लेकिन अब तो कम उम्र के लड़के भी डाई का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो आखिर इसके पीछे की असल वजह क्या है कि लोगों की दाढ़ी के बाल उम्र से पहले ही सफेद हो रहे हैं? तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इसी समस्या के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। हम आपको चार ऐसी महत्वपूर्ण बातें या यूं कह लीजिए कि आपकी डेली रूटीन की रोज की लापरवाहियां कैसे आपको 20 से 25 साल की उम्र में ही बुढ़ापे का एहसास करा रही है। दोस्तों दाढ़ी सफेद होने के पीछे वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका एक मुख्य कारण है आपका खान पान और आपकी बिगड़ती लाइफ स्टाइल। इसके अलावा मेलानिन हार्मोन की कमी की वजह से भी दाढ़ी के बाल सफेद होते हैं। तो इसलिए आज तो ही आपको अपनी खराब लाइफस्टाइल को बदलने और बुरी आदतों से तौबा करना बेहद जरूरी है। बालों के सफेद होने का पहला कारण है स्ट्रेस या तनाव। दोस्तों आज के टाइम में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोग अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करने लगे हैं और वो इस मॉडर्न वर्ल्ड के कॉम्पिटिशन में अपनी हेल्थ को भूल चुके हैं, और इसका सीधा असर उनकी हेल्थ पर पड़ रहा है, और जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी समस्याएं शरीर में पनपने लगी है। और इतनी ज्यादा स्ट्रेस की वजह से ही कम उम्र में लोगों की दाढ़ी के बाल सफेद हो रहे हैं। दूसरा है मेलानिन हार्मोन की कमी की वजह से। दोस्तों मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो आंख बाल और स्किन में नेचुरल कलर और चमक बनाए रखता है, और ये पिगमेंट अधिकतर जीवों में पाया जाता है। और जब हमारी बॉडी में इसकी कमी होने लगती है तो इसका असर आंख बाल और त्वचा के रंग पर पड़ता है। तो इसी वजह से आपको अपनी डाइट में साइट्रस फ्रूट, बेरी और हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना चाहिए, इससे आपकी बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तीसरा है शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से। दोस्तों पोषण की कमी की वजह से भी सिर के बालों और दाढ़ी में सफेदी आने लगती है, इसलिए आपको डाइट में विटामिन सी और अन्य पोषक तत्वों का सेवन शुरू करना चाहिए, और साथ ही एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, इससे भी आपकी बॉडी को फायदा होगा। फोर्थ है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की वजह से। दोस्तों आजकल ज्यादातर यंगस्टर्स जमकर ड्रिंकिंग और स्मोकिंग कर रहे हैं, और इस वजह से भी कम उम्र में सिर और दाढ़ी के बाल सफेद हो रहे हैं, क्योंकि ज्यादा स्मोकिंग की वजह से ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगती हैं, और इस वजह से हेयर फॉलिकल्स तक ब्लड का फ्लो सही ढंग से नहीं हो पाता है, और नतीजा दाढ़ी का रंग काले से सफेद होने लगता है। इसके अलावा कम उम्र में सिर और दाढ़ी के बाल सफेद होने के पीछे की वजह अनुवांशिक भी हो सकती है, और ऐसी सिचुएशन में आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, और वो है अपने खान पान में विटामिन सी और अन्य दूसरे पोषक तत्व को बढ़ाएं, साथ ही आप व्यायाम का भी सहारा ले सकते हैं। ऐसा करने से आपको थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आंवले में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और आयरन होता है, और ये हमारे बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है, और आप इसे इस्तेमाल करने के लिए आंवले को पीस कर रात भर लोहे के बर्तन में रख दें, और फिर सुबह ऐसे दाढ़ी मूछ पर लगाएं, इससे आपके बाल दोबारा काले हो जाएंगे। साथ ही आप पुदीने की पत्तियों की मदद से बालों को काला बना सकते हैं, और इसके लिए पुदीने की पत्तियों का पेस्ट बनाएं और उसमें 2 चम्मच प्याज का रस मिलाएं, और इसके बाद उस रस को दाढ़ी और बालों पर लगाकर छोड़ दें, और कुछ समय के बाद इसे धो लें, और फिर कुछ ही दिनों में आपको इसका असर देखने को मिल सकता है। साथ ही ज्यादा पानी पीने की आदत हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है, क्योंकि इससे हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है, और जो विषैले पदार्थ होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, और ये बालों को सफेद होने से भी बचाता है। तो आइए दोस्तों आप सभी को बालों से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।